Okay, today we will read the next chapter of class 5. The name of chapter is Health and Hygiene. What is the name of chapter? The name of chapter is Health and Hygiene. This is the second chapter of your science book. Okay, in this chapter we have to read about the health of the human beings, health of the person. And we should keep ourselves clean, neat and clean to get rid of several types of diseases. Means इस chapter में हम लोगों को ये पढ़ना है कि हम लोग खुद को कैसे healthy रख सकते हैं, health क्या होता है, healthy रखने से क्या benefit होगा खुद को, उसके बाद क्या, तो साफ सफाई मेंटेन रखना चाहिए. साफ सफाई मेंटेन रखेंगे तो बीमारी नहीं होगा. कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या ऐसा होता है कि साफ सफाई रखने से बीमारी नहीं होता है, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इस चैप्टर में हम लोग यही सारे चीजों को पढ़ेंगे. एज द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट, हेल्थ एंड हाइजीन. So, first of all, we will start from the name of the chapter. The name of chapter is what? Health and Hygiene. सबसे पहले तो हम लोगों को इसका meaning पता होना चाहिए कि what is health? Health किसे बोलते हैं? पहले health पता रहेगा, hygiene पता रहेगा, तब ना आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हाँ, health के बारे में पढ़ेंगे कि health कैसे ठीक रहता है, कैसे खराब होता है, disease क्या होता है, healthy person क्या होता है, unhealthy person क्या होता है, healthy state क्या होता है, unhealthy state क्या होता है. मतलब कहने का, state मतलब राज्य, मत समझ लेना तू लोग, ठीक है. state means अवस्था, okay, position, condition, okay. तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ किसे बोलते हैं. तो देखो, मैं यदि बोलूं खुद को कि मैं हेल्दी हूं, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि मैं हेल्दी हूं, तो हेल्दी बोल देने से नहीं हो जाता है. हेल्दी का मतलब क्या कि आप सोशली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से फिट हैं. पूरी तरह से क्या है, फिट है, तब आप लोग, आपको बोला जाएगा क्या कि आप हेल्दी हैं. केवल देखने में मोटा ताजा एकदम हाथी जैसा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी हो. दैट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि वो हेल्दी ही होगा. बहुत सारे लोग होते हैं हेल्दी को, मोस्ट ऑफ द पर्सन यदि हम लोग बात करें, इन इंडिया यदि बात करें, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है हेल्दी नहीं होता. क्यों हेल्दी नहीं होता है? तो हेल्दी शरीर से तो होते ही हैं, बट मेंटल टेंशन इतना रहता है, सोशल टेंशन इतना रहता है, इकोनॉमिकल टेंशन इतना रहता है, हम लोग उसको पूरी तरह से हेल्दी नहीं बोल सकते हैं. एंड दैट कंडीशन इज नॉट हेल्दी कंडीशन. दैट्स व्हाई वी कांट से दैट कि दैट पर्सन इज हेल्दी, और वो हेल्थ नहीं है. हेल्थ का मतलब क्या, तो फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल फिटनेस. हेल्थ का मतलब क्या, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल फिटनेस या वेलबीइंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ. इसको बोलते हैं, ये कंडीशन है. हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, एक अवस्था है, एक कंडीशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है. अब यदि हम बात करें कि हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे, तो हेल्दी पर्सन वो पर्सन होगा जो फिजिकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली फिट हो. ओके, मींस द स्टेट ऑफ पर्सन और द कंडीशन ऑफ पर्सन, जब वो क्या हो, फिजिकली, सोशली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली फिट हो, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे क्या, हेल्थ. और उस पर्सन को बोलेंगे क्या, हेल्दी पर्सन. उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, हेल्दी पर्सन.
अब देखो इस चैप्टर में मुख्य रूप से मेनली एक्चुअली इन क्लास 5 यू विल नॉट बी टॉट अबाउट सोशल फिटनेस मेंटल फिटनेस इकोनॉमिकल फिटनेस यू विल बी टॉट ओनली फिजिकल फिटनेस इन दिस चैप्टर एंड यू विल बी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड व्हिच वी रिक्वायर टू कीप अस हेल्दी कीप आवर हेल्थ गुड बेटर ओके मींस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या तो कौन सा ऐसा खाना खाएंगे क्या खाएंगे कि हम लोग जो है हेल्दी रहेंगे क्या खाएंगे कि हम लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये हायर क्लासेस का डेफिनेशन बनता है हमारा कि सोशल मेंटल इकोनॉमिकल फिटनेस ऐसे तो नॉर्मली हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि हेल्थ मतलब क्या तो हेल्थ मतलब जो है हो गया कि फिजिकल फिटनेस ऑफ आवर बॉडी कोई बीमारी जिसको नहीं है उसको बोलेंगे हेल्दी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीमारी जिसको नहीं है वो हेल्दी कहलाएगा ये हम लोगों के 5, 6, 7 क्लास तक है कि कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी कहला रहा है जबकि हायर क्लासेस में जाएंगे हम लोग तो आगे हम लोगों को पढ़ाया जाएगा कि हेल्दी मीन्स सोशल फिजिकल मेंटल इकोनॉमिकल ऑल फिटनेस देन यू विल बी सेड हेल्दी ओके तो अब हम आते हैं चूंकि हम लोग 5 में हैं और हम लोगों को पढ़ना क्या है कि हेल्थ क्या होता है तो सबसे पहले हेल्थ को हम लोग बनाएंगे क्या करेंगे हेल्थ को बनाएंगे हेल्थ जो हमारे बॉडी को मिला जो हम जैसा हम हैं उसको अच्छा करना है या फिर यदि अच्छा है तो उसको मेंटेन रखना है तो कैसे होगा क्या होगा तो एक्चुअली यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों में मोस्ट ऑफ द डिजीज जो होते हैं वो ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारा बीमारी जो होता है हम लोगों में वो किसके कारण होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण किसके कारण न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण अब फिर देखो मैंने बोला क्या कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण बहुत सारा बीमारी होता है तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहां मैंने वर्ड यूज किया लैक मतलब तो आप लोगों को पता होगा ऑफ मतलब भी पता होगा कि लैक मतलब होता है कमी ऑफ मतलब का बट यू डोंट नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं वो हो सकता है बहुतों को नहीं मालूम होगा आप लोगों में से है कि नहीं बहुतों को नहीं मालूम होगा न्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है इसलिए मैं न्यूट्रिएंट्स को यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं न्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है तो न्यूट्रिएंट्स आर द एनर्जी गिविंग सब्सटेंस एनर्जी गिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड अब मैंने बोला क्या कि न्यूट्रिएंट्स आर द एनर्जी गिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड न्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है तो वह न्यूट्रिएंट्स जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करने वाला क्या है सब्सटेंस है जो कहां पर प्रेजेंट होता है फूड में प्रेजेंट होता है जो कहां प्रेजेंट होता है फूड में होता है मींस वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड व्हेन वी कंज्यूम फूड वी गेट न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स We get energy to perform various life processes. है कि नहीं? हम लोग सारे life process perform करने के लिए जो energy gain करते हैं, वो कहाँ से gain करते हैं? इसी nutrients से gain करते हैं। और ये nutrients कहाँ से आता है? तो food से आता है। ये nutrients कहाँ से आता है? Food से आता है। यहाँ देखो, अब जब हम लोग nutrients को ला दिए हैं food पे, तो food का definition मैंने पहले ही class में बता रखा है। फूड किसे बोलते हैं तो फूड इज अ फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड क्या है एक फ्यूल है जो कि क्या करता है प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको प्रोवाइड करता है तो भाई जो खाएगा उसको प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेजिटेबल को तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इन सिंपल इफ यू विल बी आस्क्ड द डेफिनेशन ऑफ फूड यू विल से दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी ओके फूड इज अ फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किस लिए प्रोवाइड करता है तो एनर्जी गेन करने के लिए अब ये न्यूट्रिएंट्स
क्या एक ही भोजन में सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है? क्योंकि हम लोगों ने बात किया क्या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारा टाइप का होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ बना रखा है, पहले से लिख रखा है, न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रगेज, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन्स में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो अब देखो, हम लोगों को सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, नॉट ओनली आयरन, नॉट ओनली कैल्शियम, नॉट ओनली प्रोटीन, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट ओनली फैट्स, नॉट ओनली विटामिन्स, नॉट ओनली रगेज, नॉट ओनली वाटर। हम लोगों को कोई एक तो नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए क्या? केवल वाटर? वाटर पीकर और जिंदा रह सकते हैं? नहीं सर, केवल वाटर पीने से हम लोगों को टोटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, टोटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है सारा बॉडी जो है हमारा अच्छे तरह से काम नहीं कर पाएगा, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, हमारे बॉडी को जो है मतलब सारे काम को करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स का जरूरी जरूरत है प्रॉपर अमाउंट में, एंड दैट्स व्हाई वी वुड हैव टू कंज्यूम बैलेंस्ड डाइट। और इसीलिए हम लोगों को कैसा खाना खाना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या? बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस मतलब तो सब कोई जानते हो, ये रहा बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? तराजू, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, कुछ नहीं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर। कहने का मतलब कि यदि एक दिन में 24 आवर में ह्यूमन बॉडी को 10 ग्राम पल्स चाहिए, 15 ग्राम चावल चाहिए मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, 5 ग्राम विटामिन्स चाहिए, यदि चाहिए तो उतना लेना ही होगा। उतना यदि लेंगे आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली, तब आप क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। आप क्या रहेंगे? फिट रहेंगे। मींस आपका बॉडी क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। इट मींस वी वुड हैव टू टेक बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या होता है? तो डाइट्स दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट व्हिच वी नीड। बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं? तो वे सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग डाइट जो हम लोगों को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या है? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं? तो डाइट व्हिच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? तो डाइट, डाइट मतलब क्या? खाना। डाइट विच कॉन्टेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विच वी नीड for being healthy। healthy रहने के लिए हम लोगों को जितने भी nutrients चाहिए, जितना amount में nutrients चाहिए, वो सारे amount, सारे type of nutrients जिस डाइट में रहे, जिस फूड में रहे, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा डाइट? बैलेंस्ड डाइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस्ड डाइट। कहने का मतलब कि केवल चावल खाओगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा,
ठीक है, केवल दाल खाओगे तो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, है कि नहीं। अब तुम केवल फ्रूट खाओगे तो क्या मिलेगा, रगेज मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा। केवल वेजिटेबल खाओगे तो क्या मिलेगा, रगेज मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा। अब हम लोगों को तो सारा चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो हमारे डाइट में सारा चीज होना चाहिए कि नहीं, सारा होना चाहिए। और सारा कुछ होगा तो उसके लिए जिस जिस फूड आइटम में ये सब पाया जाता है वो सारा फूड आइटम हम लोगों को कंज्यूम करना होगा कि नहीं, कंज्यूम करना होगा, डेफिनेटली कंज्यूम करना होगा। और जब हम लोग ये सारे फूड आइटम कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों को हेल्दी रखने से कोई रोक सकता है, कोई बचा सकता है? नहीं, हम लोग फुल्ली हेल्दी रहेंगे। क्यों हेल्दी रहेंगे? क्योंकि हम लोगों को जितना चाहिए उतना मिल तो रहा है। जब जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो फिर क्यों झगड़ा रहा है किसी बात का? भाई तुमको 10 रोटी चाहिए, 10 रोटी ले लिया, मैं दे दिया जाकर, लो 10 रोटी खाओ भाई, फिर अब किस बात का झगड़ा, किस बात का लड़ाई, हो गया बात खत्म। हाँ रहता कि 10 रोटी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें 8 रोटी ला कर दे दिया, 8 रोटी ला कर दे दिया, तो दो के लिए तुम किसी का सर फोड़ोगे, किसी का पैर तोड़ोगे? हमको दो और नहीं होगा। मगर सब मिल गया तो क्या आराम से निश्चिंत रहोगे? ठीक उसी तरह हम लोगों को सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा तो क्या कोई बीमारी नहीं होगा, कोई ऑर्गन खराब नहीं होगा, कोई ऑर्गन खराब नहीं होगा, तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। क्योंकि ऑर्गन का खराब होना ही, किसी ऑर्गन का प्रॉपरली वर्क नहीं करना ही तो कहलाता है डिजीज, वही तो कहलाता है बीमारी। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग अनहेल्दी। ओके, अब हम लोग आएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके तरफ, कि क्या क्या है, कौन कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्या है न्यूट्रिएंट्स में, क्या मिलता है हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स से, जो इतना हम लोग बेचैन हैं न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, क्या ये नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोगों का लाइफ नहीं चल पाएगा? तो नहीं चल पाएगा बेवकूफ, कभी नहीं चलेगा। अब सिंपल सोचो, पल्स तुम नहीं खाओगे मींस प्रोटीन नहीं मिलेगा। यदि तुमको प्रोटीन नहीं मिलेगा, एग नहीं खाओगे प्रोटीन नहीं मिलेगा, फिश नहीं खाओगे प्रोटीन नहीं मिलेगा, मिल्क नहीं खाओगे प्रोटीन नहीं मिलेगा, मीट नहीं खाओगे प्रोटीन नहीं मिलेगा, और जब ये सारे फूड आइटम्स तुम नहीं खाओगे तुम्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा, जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो तुम्हारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी का रिपेयरिंग नहीं होगा। पता है ना कि कहीं कट गया, कहीं फट गया, कहीं घाव वगैरह है, घाव होता है ना वंड्स हो जाता है। ठीक है, अभी तो गर्मी के समय में, आम के समय में तो बहुत सारा होगा वंड्स सबको। ठीक है, तो सोच पहले से रेडी रहना, तुम लोग खूब दिन रात पल्स 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 खाते रहो, दाल खाओ, मछली खाओ, मीट खाओ, एकदम चिकन वगैरह खींच कर खाओ, पूरा जितना खा सकते हो उतना खाओ, क्योंकि बाद में आम तो खाना ही है। और उस टाइम में जो है गर्मी के टाइम में वंड्स होता ही है, जनरली बहुत सारे लोगों को हो जाता है वंड्स, तो ये सारा चीज खाओ, क्या होगा, हीलिंग ऑफ द वंड्स होगा, जल्दी घाव भरेगा, जल्दी से ठीक होगा, कहीं कट गया यदि हाथ पैर यदि तो जल्दी से हील होगा। इट मीन्स तुम यदि दिन रात झगड़ा लड़ाई इधर उधर कूद फान उछलते कूदते रह रहे हो, तुम लोग तो बदमाश है वो ही, कहीं हाथ कट गया कहीं पैर कट गया, तो इसके लिए जब क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं। भाई किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, तुम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लो ना, नहीं जरूरत पड़ेगा किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का। यदि प्रोटीन सफिशियंट अमाउंट में लोगे तो बॉडी का रिपेयर काफी अच्छे से होगा, बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर वे में होगा, उसके बाद हीलिंग होगा कट्स का और वुंड्स का, कहीं कट गया वो जल्दी से भर जाएगा, घाव जल्दी से भर जाएगा। ये सारा चीज में हेल्प करता है कौन, प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, नहीं खाओगे तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम जाओ। नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। जो नेक्स्ट हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के बाद कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही जरूरी है हम लोगों के लिए जितना जरूरी प्रोटीन है, अरे मुझे तो लगता है इससे ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है, और फिर भी मेरे नजर में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं बोलता हूँ प्रोटीन, क्योंकि उससे मिलता है क्या,
चिकन पूछा मत, ठीक है? क्या मिलता है यहाँ पर? ओके, तो अब हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और रोटी खाओगे नहीं, चावल खाओगे नहीं, है मतलब कहने का सीरल्स खाओगे नहीं, पोटैटो खाओगे नहीं, हनी खाओगे नहीं, जैम खाओगे नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ? इंग्लैंड से आएगा, उड़ते हुए कोरोना वायरस के साथ आएगा कि चलो ये ले लो कोरोना वायरस, मैं कार्बोहाइड्रेट लेकर आया हूँ, आप लोग ले लीजिए, ऐसे आएगा? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स तुमको तुम्हारे फूड आइटम से ही मिलेगा, और इसलिए तुम्हें सीरल्स खाना होगा, पोटैटोज खाना होगा, हनी खाना होगा, जैम खाना होगा, बिकॉज दीज आर द फूड आइटम्स विच प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स इन लार्ज अमाउंट। ये सारे जो है फूड आइटम, ये हम लोगों को लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें देखो, मैंने दो सीरल्स और पोटैटोज, ये दो और फिर जैम एंड हनी, दो का नाम लिखा है मैंने, मींस चार कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड आइटम्स का नाम लिखा है मैंने। इसमें ये दो जो हैं सीरल्स एंड पोटैटोस, ये दोनों हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड तो करते हैं बस, बट किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि ये जो है वो किस फॉर्म में? जैम और हनी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है एनर्जी? जैम और हनी किस फॉर्म में? सुगर के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर, यदि हम लोग बात करें कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता क्या है हम लोग को, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हम लोग को एनर्जी, एंड दिस एनर्जी हेल्प अस टू मेक फूड, दिस एनर्जी हेल्प अस टू डू वर्क। ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स इन मेकिंग द फूड टेस्टी। कार्बोहाइड्रेट जो है फूड को टेस्टी बनाने में भी हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी हम लोगों को। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है हमारा क्या? फैट। फैट बहुत सारे फूड आइटम से मिलता है, जैसे मिल्क, बटर, घी, ऑयल, एग्स, मीट, ये सारे फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक, फैट जो है जनरली क्या करता है, इसका ज्यादा उतना काम नहीं है, ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है? वार्म रखता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। साथ साथ हमारा जो, अब जैसे मान लो फैट हो गया, इतना मोटा हो गया, चर्बी आ गया, ठीक है, तो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोटेक्ट रहेगा, मगर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू शुड नो कि ज्यादा फैट होना भी डेंजरस है, फिर दौड़ोगे तो लगेगा कि गेंडा स्वामी दौड़ रहा है, ठीक है, हाथी जैसा दौड़ोगे, मतलब कहने का कि ज्यादा फैट भी, ज्यादा अमाउंट में फैट नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फैट को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो बीपी वगैरह टाइप का बीमारी भी हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर अमाउंट में लेंगे हर न्यूट्रिएंट्स को। आफ्टर देन द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी नीड फॉर आवर प्रॉपर हेल्थ इज विटामिन। विटामिन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन जो है बहुत सारे डिजीज से हम लोग को बचाता है, जैसे सपोज कि हम लोगों के बॉडी में विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए का कमी हो गया, विटामिन ए का कमी हो गया तो हम लोग को क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, पता है, रात में नहीं दिखेगा कुछ, लो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का कमी यदि हो जाएगा तो बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन सी का कमी हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी का कमी हो जाएगा रिकेट्स हो जाएगा, मतलब पैर टेढ़ा हो जाता है ना, वो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर देन विटामिन के का यदि बॉडी में कमी हो जाएगा तो तुम्हारा जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, कहीं काट दिया कोई तो लो ब्लड क्लॉट ही नहीं कर रहा है, तो साउथ का मूवी है ना, उसमें क्या कर रहा है, हीरो को केवल काटने का इंतजार कर रहा है कि कहीं काट देंगे उसके बाद तो हीरो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में क्या है? विटामिन के का कमी है। अब विटामिन के से ऐसा क्या होता है जो ब्लड क्लॉट होता है? तो एक्चुअली विटामिन के जो है प्रोथ्रॉम्बिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ये हार्ड वर्ड है, ये याद रहे या ना रहे, ठीक है, केवल सुन लो सब, प्रोथ्रॉम्बिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोथ्रॉम्बिन हार्मोन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या? खून जमाने में, जैसे ब्लड कहीं हाथ कट गया फिर थोड़ा देर बाद वहां जम जाता है, थक्का लग जाता है, जम जाता है,
उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आप ब्लड बहना क्या हो गया, बंद हो गया, फ्लो करना रुक गया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सारे विटामिन यदि हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे तो बहुत सारा बीमारी होगा हम लोगों को। इट मींस विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड विटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, ये सब में विटामिन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एग में, फिश में, ये सब में। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है हम लोग का वो है मिनरल्स, ठीक है, वो है हम लोग का मिनरल्स। मिनरल्स क्या करता है, तो मिनरल्स हेल्प टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली, हम लोगों को अच्छा तरह से ग्रो करने में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, प्रॉपर डेवलपमेंट में प्लस ग्रोथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है। पाया किसमें जाता है, तो पाया जाता है मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में, ये सारे चीज में मिनरल्स पाया जाता है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट है हम लोगों का वो क्या है, वाटर। नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर क्या है, तो यदि हमारे बॉडी में वाटर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा। क्यों नहीं काम होगा, क्योंकि वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में है, इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि यदि वाटर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो जो भी फूड आइटम्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो इच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा, और जब हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा तो सारे पार्ट को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, सारे पार्ट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, सारे पार्ट जो है जब एनर्जी नहीं गेन करेंगे तो वर्क अच्छा से नहीं कर पाएंगे, और जब अच्छा से वर्क नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, लाइफ प्रोसेस नहीं होगा मतलब नॉन लिविंग हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है क्या, रगेज। रगेज एक अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट मतलब इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे आम वगैरह खाते हो ना, मैंगो खाते हो तो देखते हो रेसा जैसा रहता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है किस चीज में, तो डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है किस चीज में, तो जो हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसको क्लियरली पास आउट कराने में, ठीक है, मींस बॉडी से वेस्ट को कंप्लीटली और प्रॉपरली पास आउट कराने में हेल्प करता है कौन, रगेज। पाया किसमें जाता है, तो ग्वावा, बीन्स, दलिया, ये सब चीज में, ये सब में पाया जाता है, मैंगो, ये सब में पाया जाता है, बहुत सारा मैंगो होता है उसमें पाया जाता है रगेज। अब आते हैं हम लोग, ये तो था प्रोटीन का बात, प्रोटीन के बाद हम लोग देखें कि बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा डाइट, बैलेंस्ड डाइट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के साथ साथ एक्सरसाइज कितना जरूरी है, क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है हम लोगों के बॉडी के द्वारा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या हम लोग फिट नहीं रहेंगे। तो देखिए जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में न्यूट्रिएंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज करना भी काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम लोगों को प्रॉपर फिजिकल मेंटेनेंस रखने में कठिनाइयां होंगी, बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस देखो तो मैं अभी कितना फिट हूँ, क्यों फिट हूँ, क्योंकि जो है मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, इसके कारण क्या है, मैं पूरी तरह फिजिकली फिट हूँ, ओके। तो फिजिकल फिटनेस रखने के लिए, बोन्स स्ट्रांग रखने के लिए, मसल्स स्ट्रांग रखने के लिए, वेस्ट को प्रॉपर वे में बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। जैसे जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, काफी हार्ड लेबर करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी से स्वेट निकलता है, वो स्वेट क्या है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी में है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है बाहर, इस तरह से हम लोग को वेस्ट से छुटकारा मिल रहा है। इट मीन्स
Exercise helps in maintaining physical fitness, strengthening bones and muscles. Means exercise strengthens bones and muscles, helps in maintaining physical fitness, helps to get rid of waste. इन सारे चीज में एक्सरसाइज क्या करता है? हेल्प करता है. इसलिए हम लोगों के लिए एक्सरसाइज काफी जरूरी है. ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, मतलब कहने का कि डिजीज क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होगा, डिजीज क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रेगुलरली मेडिकल चेकअप कराएंगे. क्या कराएंगे? मेडिकल चेकअप. मेडिकल चेकअप का मतलब क्या कि वह डॉक्टर से सलाह लेना, पता करना कि हाँ कोई बीमारी तो नहीं हुआ, हम हेल्दी तो है ना. अब देखो यहाँ जो मैंने एक टर्म लाया, क्या लाया, डिजीज, बीमारी. बीमारी किसको बोलते हैं, डिजीज किसको बोलते हैं, तो डिजीज किसको बोलते हैं, डिजीज इज अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन. मतलब अभी हेल्दी नहीं है, क्या है, अनहेल्दी है. क्या है, अनहेल्दी है. डिजीज क्या है, तो एक स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन किसका, तो ऑफ बॉडी. किसका, बॉडी का. अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी जिसमें कोई भी बॉडी पार्ट्स, चाहे हाथ या फिर पैर, आंख, नाक, कान, दिल, किडनी, कोई भी एक पार्ट या एक से अधिक पार्ट या दो पार्ट, मतलब दो से अधिक पार्ट, कोई भी यदि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज. मींस बॉडी को क्या हो गया है, डिजीज हो गया है, बीमारी हो गया है. अब ये डिजीज को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. डिजीज को फर्दर कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन सा डिजीज, तो एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. यही डिजीज यदि 10th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, तो 10th क्लास में पढ़ेंगे एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और फिर ये दोनों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये सब डिजीज में. डिजीज कितना तरह का होता है यहाँ पर, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, दो डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, तो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये कोरोना वाला बीमारी जो आया है कोरोना वायरस से, वो कौन सा डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है. क्यों कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसलिए क्योंकि वो 1 person टू अनदर पर्सन, 1 body टू अनदर बॉडी फैल रहा है. देखो बोलता है, बोल रहा है ना अभी नरेंद्र मोदी जो है हम लोग को घर में बंद करा कर रख दिया है, घर में ही रहो, दिन भर जो है खाओ सो खाओ सो खाओ सो, बस और कुछ काम ही नहीं है, घर से बाहर निकलने पर फिर ये चालू हो जा रहा है, मतलब एक्सरसाइज चालू हो जा रहा है कि एक्सरसाइज घर में नहीं कर रहे होंगे तो तुमको बाहर एक्सरसाइज करा दिया जा रहा है. तो मतलब कहने का कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो क्या होता है, 1 person टू अनदर पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से होता है. इट मीन्स स्प्रेड फ्रॉम 1 person टू अनदर. अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है. अब जैसे मार्कर, ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, इसमें चलो मान लो मुझे कोरोना है, मेरे हाथ में कोरोना है, मैं क्या किया, इस मार्कर को टच किया, ये कोरोना उड़ कर आ गया, इस पर से आकर हाथ से आ गया मार्कर में, फिर इस मार्कर को मैंने रख दिया बेंच पे, अब मार्कर से आ गया बेंच में, फिर बेंच से आ गया ये कपड़ा में, कपड़ा से आ गया बुक में, बुक ले गया कोई और के हाथ में, वो कुछ और टच किया, वो कुछ और टच किया, मतलब इस तरह से क्या हो गया, पूरा तरह जो है कोरोना 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 हर जगह फैल गया. तो ये जो बीमारी होगा उस बीमारी को हम लोग कौन सा बीमारी बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज. कौन सा डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज. मींस द डिजीज व्हिच स्प्रेड फ्रॉम 1 person टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, while the disease which do not spread from 1 person to another is called non-communicable disease. अब बुखार जो है एक दूसरे से होता है क्या, अब मुझे बुखार हुआ है, मैं ये मार्कर टच कर लिया तो बुखार वाला बैक्टीरिया वायरस इसमें आ गया, अब दूसरा कोई टच करेगा तो उसको बुखार हो जाएगा, नहीं, मेरा पैर टूट गया है, ठीक है, या फिर जन्म से ही हमको पोलियो हो गया है, ठीक है, हम किसी को टच कर देंगे तो उसको पोलियो हो जाएगा, नहीं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या, ये डिजीज 1 person टू अनदर पर्सन नहीं फैलता है, इसलिए वो कौन सा डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज.
तो अब फिर बात होगा कि सर जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे से फैलता नहीं है तो ये होता कैसे है, कैसे फैलता है, कैसे होता है किसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के बहुत सारे कारण है। अभी मैंने पढ़ा ना, हम लोगों ने पढ़ा कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। यदि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, बीमारी होगा। होगा भाई बीमारी, देखो यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है ना, लैक ऑफ हेल्दी फूड। अब खाना जा रहा है तुम लोग मार्केट में, इतना सारा जलेबी रखा हुआ है मेला में, पूरा मक्खी जो है उड़ रहा है, खा ले रहे हो तुम लोग। गोलगप्पा वाला गोलगप्पा बेच रहा है ना, कैसे किया फिर उससे भरा गोलगप्पा, पानी में डुबा कर पूरा हाथ धुलकर खिला दिया तुमको, लो खा लिए। क्या तुम जो फूड खाए वो कैसा फूड खाए, अनहेल्दी फूड खाए, और अनहेल्दी फूड खाए तो लेकर आओ बीमारी को, तुम्हारा हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अनहेल्दी फूड कंज्यूम किया। उसके बाद क्या, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या, हमेशा नाक बहाते रह रहे हो और हाथ से ऐसे साफ कर दे रहे हो, कपड़ा से लेकर साफ कर ले रहे हो, कचरा में खेल रहे हो, मतलब इससे क्या होगा, तुमको बीमारी होगा। क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट इंजॉइंग अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। कहीं भी कचरा में बैठ जा रहे हो, एकदम गंदा गंदगी वगैरह में, कभी भी जब मन कर रहा था नाला वगैरह में तैरने लग रहे हो, तो ये सब क्या है, तुम्हारा अनहेल्दी स्टाइल है। इट मीन्स You are living very dirty. You are not living neat and clean. That's why you will get suffered from disease like non-communicable disease. उसके बाद एलर्जी से भी बहुत सारा बीमारी होता है। अब धूप में निकले पूरा बॉडी जो है लाल लाल हो गया, ये क्या है, एलर्जी है। एलर्जी से भी बहुत सारा बीमारी होता है। उसके बाद क्या, तो बर्थ रिलेटेड डिजीज, जैसे पोलियो का मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों में जन्म से ही होता है। तो ये सारे जो डिजीज हैं, ये सारे जो कारण हैं, वो किसके कारण है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसके कारण होता है, लैक ऑफ हेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एलर्जी, बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर और डिजीजेस, ये सारे कारण हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इस तरह से ये टॉपिक, ये पार्ट वन हम लोगों का फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि हाँ, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किससे किससे फैलता है, कैसे फैलता है, क्या होता है, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग उस कम्युनिकेबल डिजीज वाले टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।